तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बिगिन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी और इक्विपोटेंशियल सरफेस। फाइनली हमारा समाप्त हुआ और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इलेक्ट्रिकल डाइपोल की डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे एक बार, चाहे तो चलिए फिर से लिख दीजिए। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स डिस्टेंस, ये हम पहले पढ़ चुके थे। एक और चीज जो पहले पढ़ चुके थे वो भी अभी ड्रॉप कर लेते हैं। लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू मार्क, एम ए आर के मार्क, हाउ टू मार्क डायरेक्शन ऑफ ई एट अ पॉइंट अराउंड डाइपोल, हाउ टू मार्क डायरेक्शन ऑफ ई एट अ पॉइंट अराउंड डाइपोल। तो डाइपोल हो या कोई भी और कॉन्फिगरेशन हो, हम लोगों को पहले तो क्या करना चाहिए, इस पॉइंट से गुजरने वाली कंप्लीट लाइन ऑफ फोर्स बना लेनी चाहिए। ऐसे ही पहले लिख दीजिए, यहाँ नीचे यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, सर यहाँ से नीचे लिखना शुरू कर दीजिए, ड्रॉ कंप्लीट लाइन ऑफ फोर्स थ्रू द पॉइंट ड्यू टू द कॉन्फिगरेशन गिवन। जैसे अभी जो कॉन्फिगरेशन दिए हमें उसका नाम है डाइपोल। जो भी डाइपोल आइपोल दिया है आपको, उससे गुजरने वाली कंप्लीट लाइन ऑफ फोर्स बना लीजिए आप। जैसे मुझे इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैं इससे गुजरने वाली कंप्लीट लाइन ऑफ फोर्स बना लूंगा। डाइपोल की लाइन ऑफ फोर्स कैसी होती है वो मुझे पता तो है, ऐसा कुछ रहता है। इस पॉइंट पे अगर मेरे को फील्ड चाहिए थी, इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए थी, तो इससे गुजरने वाले मैंने कंप्लीट लाइन ऑफ फोर्स बना ली बस। और अब आगे लिख दीजिए, आगे लिख दीजिए, ड्रॉ टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स थ्रू दैट पॉइंट, ड्रॉ टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स थ्रू दैट पॉइंट। ये पॉइंट भी है, मुझे यहां से गुजरने वाली फील्ड चाहिए थी, इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, मैं यहां से एक ऐसा ये टेंजेंट बना लेता, ये टेंजेंट बना लेता। बस ये ध्यान रखना कि इसका एरो जो आप मार्क करोगे वो इसी के सेंस में मार्क करो। ऐसा ना हो कि सपोज आपको इस पॉइंट पे मार्क करनी हो, सपोज आपको इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी हो, तो आप टेंजेंट तो आपने सही बना ली, पर बहुत ज्यादा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आप डायरेक्शन ये मार्क कर दो। टेंजेंट इसी सेंस में जहां लाइन ऑफ फोर्स जा रही है पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ, वहां पे आप एरो बना दीजिए। इस पॉइंट पे ये ई की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ई की डायरेक्शन है। अगर आपको इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन मांगे हो यहां पर, तो यहां पर टेंजेंट बना दी, यहां मांगे तो यहां टेंजेंट बना दी, यहां मांगे तो यहां लाइन ऑफ फोर्स बनाइए और टेंजेंट बना दीजिए। और एरो का ध्यान रखिए, एरो का ध्यान रखिए। तो ये भी हमने बनाया हुआ था, लाइन ऑफ फोर्स हमने डायपोल की बनाई हुई थी, कर्व थी, बस ये वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। पर यहां पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इंटरनल पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट पे ई के रख, इस लाइन को एक्सेस कहते हैं। डाइपोल का आगे लिख दीजिए, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड द एक्सियल पोजिशन ऑफ द डाइपोल, ए एक्स आई ए, इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ द डाइपोल, is called the axis of the dipole.
लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, मतलब कायदे से इसका पूरा नाम होना चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और जब हम खाली एक्सिस कहते हैं तो हमारा मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से ही होता है। जब हम खाली एक्सिस कहते हैं तो हमारा मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से ही होता है। अब क्या है एक्सिस के ये इन पॉइंट्स को हम इंटरनल पॉइंट्स को ज्यादा कंसीडर नहीं करते। यहां फील्ड की डायरेक्शन अलग है और यहां फील्ड की डायरेक्शन अलग है। हेडिंग दे दीजिए इसी में नीचे एक और सब हेडिंग है, छोटी हेडिंग है एंड ऑन पोजीशन। बस लिख दीजिए an external point on the axis of dipole, external point on the axis of dipole, external point on the axis of dipole। ये जो point है ये end on position point है, ये इसको end on position का point कहते हैं। ये जो अंदर के points हैं इनको end on position का points नहीं कहते, अलग से भी लिख दीजिए। internal points along the axis, internal points along the axis are not said to be in end-on position. The internal points along the axis हैं, ये end-on position के नहीं। Axis के along मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलावा जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो एंड ऑन पोजीशन के पॉइंट कहलाते हैं। फिर हेडिंग दे दीजिए इसके बाद हेडिंग दे दीजिए इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस ये अगर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है डायपोल का, ये अलाइन अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, अलाइन अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। और फिर अगर ये उसका मेन एक्सिस है तो इक्वेटर यहां होता है ना, इसीलिए ये इक्वेटोरियल एक्सिस का नाम है। ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं आप क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स एक्सिस। ये अगर लॉन्गिट्यूडिनल है तो ये ट्रांसवर्स हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस। फिर इसके बाद आपको हेडिंग देनी है रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। लिख दीजिए अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस इज सेट टू बी इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ द डायपोल। जब आप यहां हो और डाइपोल की तरफ देख रहे हो तो आप डाइपोल की ब्रॉड साइड देख रहे हो, ये डाइपोल की ब्रॉड साइड है, ये डाइपोल की ब्रॉड साइड है। और जब आप यहां और डाइपोल को देख रहे हो तो आपको डाइपोल का एक एंड दिख रहा है, इसलिए एंड ऑन पोजीशन है। जब आप यहां हो और आपको डाइपोल को देख रहे हो तो आपको डाइपोल का एंड दिख रहा है, ये एंड ऑन पोजीशन है,
यहां से ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इसको बोलते हैं। आप हेडिंग दे दीजिए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इट इज अ मेजर ऑफ, इट्स अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इट्स अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल। जैसे अगर क्यू चार्ज ज्यादा होता है तो वो फील्ड ज्यादा पैदा करता है, इसी तरह अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो वह स्ट्रॉन्गर फील्ड क्रिएट करेगा। ऐसा ही लिख दीजिए, मोर द डाइपोल मोमेंट, मोर द डाइपोल मोमेंट, ग्रेटर द स्ट्रॉन्गर फील्ड, ग्रेटर द फील्ड, ग्रेटर द फील्ड। जब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो वो फील्ड ज्यादा पैदा करेगा। ये मान लेता हूं मैं माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये उनके बीच का डिस्टेंस डी है। Is the smallest, the shortest distance between the two charges? Is the shortest distance between the two charges? और क्योंकि ये shortest distance है, आप d को displacement vector भी कह सकते हैं। ये shortest distance है, इसको displacement vector भी कह सकते हैं। अब जो डाइपोल मोमेंट होता है उसे ऐसे लिखते हैं p से, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको लोअर केस लेटर p से लिखते हैं, कैपिटल p नहीं लिखते हैं। कैपिटल p इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, सो छोटा p लिखते हैं। स्मॉल p इज इक्वल टू q इनटू d, q तो स्केलर है, d वेक्टर है, इसलिए p भी वेक्टर है, q इनटू d। इतने बोल दीजिए कि सिंस d इज अ वेक्टर, p इज अ वेक्टर, q तो स्केलर है और जो डिस्टेंस है वो वेक्टर है, इसलिए p वेक्टर है। अब इसके बाद हेडिंग दे दीजिए, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसका डायरेक्शन की भी जरूर बात करेंगे। हेडिंग दे दीजिए डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन क्या है ये जानना जरूरी है। जो डायरेक्शन हम बता रहे हैं वो हम कैसे बता रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्शन ये बताई जाती है कि अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। पहले तो ये लिख दीजिए, कैप्स में लिख दीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे दीजिए न्यूमेरिकल में, क्योंकि ये यूज होगी बार बार और इसमें सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है। अलोंग द एक्सिस मतलब अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस From negative charge to positive charge, ये vector p की direction है, axis के along, axis के along, ये vector p की direction है। It is actually a matter of convention, basically a matter of convention. इसका reason मैं आपको नहीं समझा सकता कि direction यही क्यों है, क्यों इतना important नहीं है, important है कि क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन में ये बार बार यूज होगी और गलती कभी हो सकती है। आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर वेक्टर बी, देयरफॉर वेक्टर बी इज डायरेक्टेड from negative charge to positive charge. Vector B is directed from negative charge to positive charge. फिर से मैं कह रहा हूं कि डायरेक्शन क्या है ये जानना जरूरी है, क्यों है ये जानना जरूरी नहीं है। कन्वेंशन मान लीजिए नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अभी हम पढ़ेंगे तो ये देखेंगे और ऑलरेडी भी जानते हैं कि
डायपोल की जो फील्ड निकलती है ना, वो यहां से निकल के ऐसे जाती है और फिर यहां से वो ऐसे निकलती है। जो फील्ड ओरिजिनेट होती है डायपोल से, वो वेक्टर पी की डायरेक्शन में ही निकलती है। पी के कारण ही तो फील्ड पैदा हुई है, डायपोल मोमेंट पी के कारण ही तो फील्ड पैदा हुई है। तो जो फील्ड की ये डायरेक्शन है, फील्ड जब यूं निकलेगी तो फिर मेरे को पी की भी तो डायरेक्शन यही लेनी चाहिए। ऐसा लिख दीजिए कि फील्ड इमर्जेस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल, फील्ड इमर्जेस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल along the axis, and E is also created by the dipole, E is also created by the dipole. Therefore, we assume that P is in the direction of E. E is in the direction of E emerging from the dipole. Dipole से जो E निकल रही है वो भी इसी direction में निकल रही है basically। तो आसपास के points की बात मत करिए, बस यही देखिए केवल। basically ये याद कराने के तरीके हैं, ये बहुत strong logic नहीं है, logic से हमें मतलब भी नहीं है। आप confused ना हो उसे support करने के लिए मैं points बोल रहा हूँ। Speed यहाँ निकलती है तो, और P ने speed को पैदा किया है तो moment की भी, dipole moment की भी यही direction है। हेडिंग दे दीजिए आगे, यूनिट्स। मैं पढ़ रहा हूं यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। नंबर 1 एसआई यूनिट, और वो है चूंकि इसका फॉर्मूला था क्यू इंटू एल, इसकी यूनिट है क्यू इंटू एल या क्यू इंटू डी, वट एवर, इसकी यूनिट है कूलम मीटर, इसकी यूनिट है कूलम मीटर। इसे से ये लिखते हैं सी है, पर आप तो सी छोटा मत लिखना नहीं तो ये कभी सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखते समय इस बात का कॉन्शियस एफर्ट रखना कि सी आपका कैपिटल होए, नहीं तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कूलम मीटर है, डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट है, बट इट इज टू बिग अ यूनिट। जो एक्चुअली 1 कूलम इज अ ह्यूज चार्ज, ऐसे ही दीजिए, 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज, 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज, एंड देयरफॉर कूलम मीटर इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। इसके हम सीजस यूनिट्स की बात कर रहे हैं। आपको डायपोल मोमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री में। बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह जब आप बात करते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस की बात करते हैं, आप जानते हैं जो डाइपोल, जो एटॉमिक डाइपोल बनते हैं उनके बीच में डिस्टेंस डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग की रेंज में रहता है, और ये जो चार्ज होते हैं इन पे भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। जस्ट -19 कूलम की रेंज में, जस्ट -19 कूलम की रेंज है। तो इसलिए हमको प्रैक्टिकली अगर केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत छोटी यूनिट चाहिए होगी। सीजेस यूनिट लिख दीजिए, सीजेस यूनिट, और इसका नाम है डीवाई, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। इट इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज व्हाइल डिस्कसिंग डाइपोल मोमेंट। बॉन्ड लेंथ वगैरह बात करते हैं, लेंथ को मैं मोमेंट के टर्म्स में भी बात कर सकता हूं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इसकी बात डिवाई में ज्यादा होती है, केमिस्ट्री में इसकी बात डिवाई में ज्यादा होती है। मैं इसका पूरा डिस्कशन कर रहा हूं डिटेल में, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, डिवाई में चार्ज को हम लोग लेते हैं, चार्ज को लेते हैं स्टैट कूलम में, और डी को लेते हैं डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग में। लिख दीजिए हेयर चार्जेस आर टेकन इन पावर्स ऑफ 10^-10 स्टैट कूलम, पावर्स ऑफ 10^-10 स्टैट कूलम। द
ब्रैकेट में बता सकते हैं, इट बिकम्स क्लोजर टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के करीब हो जाता है, एंड डिस्टेंसेस आर टेकन इन डिग्री ए, डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग, डिस्टेंसेस आर टेकन इन डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग, जो डिवाइड होगा ना उसमें चार्ज होगा 10^-10 स्टैट कूलम, और डिस्टेंस जो होगा वो 1 डिग्री ए टाइप का होगा। तो इसी को जरा देख लेते हैं, पहले 1 कूलम होगा 10^9 स्टैट कूलम, इसको जब मैं यहां रखूंगा तो डी कितना होगा, ये 10^-10 इंटू स्टैट कूलम की जगह 1/1/3 इंटू 10^9 इसे कूलम लिख दूंगा, डिस्टेंस को अभी इसके बाहर लिखता हूं, जरा देख लो कितना आ गया, ये 1/3 इंटू 10^-19 कूलम तो आ गया ना, ये करीब करीब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के आसपास आ गया। कुछ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं देना चाहिए, या डेल्टा चार्ज लेते हैं वहां पे, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और डिस्टेंस है फिर 10^-10 मीटर, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10^-29 या 10/3 इंटू 10^-29 -30 होगा। 10^-10 स्टैट कूलम था, 1 स्टैट कूलम था, 1/3 टू 10^9, तो 1/3 तो मैंने यही रहने दिया, ये 10^-19 ले लिया तो -29 हो गया। हाँ, इसको जब मैंने 10 से एक्चुअली मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इसको जब मैंने यहीं पर मैंने से 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये 10 मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, तो ये 10^-30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 इनटू 10^-30, और इसलिए हो जाएगा 3.33 इनटू 10^-30। तो ये रिजल्ट आ गया फाइनली हमारे पास, ये रिजल्ट आ गया कि जो 1 कूलम मीटर है दैट इज 3.33 इनटू 10^-30, 1 डिवाइड है, जो 1 डिवाइड है वो इतने कूलम मीटर है। हालांकि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू मे इग्नोर इट, आप केवल डी की बात करते हैं, डी और कूलम मीटर में क्या रिलेशन है इसकी आपको एक्चुअली कभी जरूरत पड़ती नहीं है, कभी जरूरत पड़ती नहीं। डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन कर लिया, डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन कर लिया, अब हम इसमें आगे आपसे बात कर रहे हैं, फील्ड डिटरमिन करते हैं, हेडिंग दे दीजिए इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, ई एट अ पॉइंट, ई एट अ पॉइंट इन एंड ऑन पोजिशन ऑफ अ डाइपोल, ई एट अ पॉइंट इन एंड ऑन पोजिशन फॉर डाइपोल, ये मान लीजिए माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और यहां वो पॉइंट है पी जहां मुझे डाइपोल की इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है, मोनोपोल नहीं है, अगर एक पोल का असर है निकालना है, एक पोल के कारण ई निकालना है तो वह है KQ/D², और डाइपोल का असर निकालना है, ये डाइपोल का मिड पॉइंट मान लेता हूं, ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, इस डिस्टेंस को एल मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को भी मैं एल मान लेता हूं, और ये पूरा डिस्टेंस जो है वो डी है, एल इज द सेम लेंथ ऑफ द डाइपोल, एल इज द सेम लेंथ ऑफ डाइपोल एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट where E is to be determined, where E is to be determined from the midpoint of dipole. From the midpoint of dipole. ठीक है?
मुझे इस पॉइंट पे ई निकालना है, तो मैं क्या करूं यहां पे? एक तो पहले सबसे पहले यहां ध्यान रखिए, जो पी होगा आपके बाद वो कितना होगा, क्यू इंटू टू एल, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो टू एल है, एल सेमी लेंथ है, टू एल पूरी लेंथ है। ये इस डिस्कशन में रिजल्ट आसान आए इसके लिए जरूरी है कि इस लेंथ को आधी लेंथ माना जाए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि फाइनली जब भी आप पी लिखोगे, जब भी आप पी लिखोगे वो क्यू इंटू टू एल होगा, क्यू इंटू एल नहीं होगा, क्योंकि एल हमने सेम ही लेंथ अज्यूम की है, आधी लेंथ अज्यूम की है। अब इससे क्या होगा, मुझे अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट पी है जहां मुझे पी चाहिए, इसे ओरिजिन मान लेता हूं, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस भी एल है। सबसे पहले तो मुझे पी पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लगा के रखना चाहिए, उसके बाद मुझे एक्चुअली इस पॉजिटिव का असर यहां देखना है और इस नेगेटिव का असर यहां देखना है, तो इनसे डिस्टेंस मेंशन करने चाहिए। ये पूरा डिस्टेंस डी है मुझे, क्योंकि इसका असर देखना है ये मैं डी माइनस एल लिखूंगा, और मुझे क्योंकि इसका असर देखना है यहां पर, मैं इस डिस्टेंस को ये यहां तक एल है और इसके बाद डी है, इस डिस्टेंस को डी प्लस एल लिखूंगा, इसीलिए मैंने मैग्नेट की लेंथ दे ली है, मैग्नेट की आधी लेंथ ली है, ठीक है ना। ये इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पी, क्लियरली मार्क द डिस्टेंसेस ऑफ पी फ्रॉम माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, क्योंकि मुझे माइनस क्यू का असर कहां देखना है वो पूरा डिस्टेंस चाहिए, प्लस क्यू का असर कहां देखना है वही डिस्टेंस चाहिए, मुझे इसका असर यहां देखना है तो ये डिस्टेंस चाहिए, इसका असर यहां देखना है तो ये डिस्टेंस चाहिए। डी ध्यान रखिए डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस है। अब मैं इस पॉजिटिव के कारण मैं इंटेंसिटी निकाल लेता हूं, नेगेटिव के कारण इंटेंसिटी निकाल लेता हूं, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं दोनों इंटेंसिटीज के बीच का एंगल देखूंगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम अक्सर यही करेंगे, एक का असर देखिए, दूसरे का असर देखिए, और दोनों के असरों के बीच में एंगल देखिए। ये हमारे फेवरेट डायलॉग में जुड़ जाता है, जब भी हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम पहले इसका असर देखेंगे, फिर इसका असर देखेंगे, फिर दोनों के असरों के बीच में एंगल देखेंगे। इसको क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये पॉजिटिव की यहां इंटेंसिटी को मार्क कर लेता हूं ई प्लस, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये ई प्लस है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये ई माइनस है। मैंने पॉजिटिव का कारण इंटेंसिटी देखी उसका नाम ई प्लस रखा, और क्योंकि ये पास है इसका असर ज्यादा बड़ा होगा तो मैंने उसका एरो ज्यादा बड़ा बनाया, ये नेगेटिव थोड़ा दूर है, नेगेटिव दूर है उसका अट्रैक्शन वीक होगा, इसलिए उसको ई माइनस मार्क किया, और आप जानते हैं कि ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू ई प्लस माइनस ई माइनस। पॉजिटिव चार्ज का असर देखा, नेगेटिव चार्ज का असर देखा, दोनों असरों के बीच में एंगल देखा, 180 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरी तरह अगेंस्ट हैं, इसलिए माइनस साइन कर दिया। वेक्टर सम निकालना है, एक का असर देखा, दूसरे का असर देखा, दोनों के बीच में एंगल देखा, एंगल 180 है तो माइनस कर दिया। अब देखते हैं कि ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी है डी माइनस एल का होल स्क्वायर, और नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी है डी प्लस एल का होल स्क्वायर। एक यू मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन डी माइनस एल इंटू डी प्लस एल का स्क्वायर। ये जब आप सॉल्व कर लोगे तो जाएगा के क्यू, और फिर इसको जब ओपन करूंगा तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, यहां प्लस टू डी एल आएगा, यहां माइनस टू डी एल आएगा, इस माइनस के कारण प्लस 4DL हो जाएगा, 4AD का टर्म और बच जाता, 4DL अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ये रूल आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, और नहीं जानते रूल तो इसको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ब्रैकेट ओपन करके देख लीजिए, बस ये हो गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो आंसर आया है वो है e एंड ऑन पोजीशन में, e एंड ऑन पोजीशन में क्या है k फिर q इंटू 2l इंटू 2, इसको मैंने इंटू d भी ले लिया, ऐसा 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया, अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए किया बस क्योंकि मुझे तो अपना आंसर p के टर्म्स में देना है, न्यूमेरिकल में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देगा वो आपको, चार्ज और लेंथ शायद अलग से ना दे, तो k तो हो गया p into 2d upon d square minus l square का whole square, ये end on position में intensity का formula हो गया, एक star आप देख सकते हैं। एक star देख सकते हैं, हालांकि ये formula बहुत ज्यादा use करते नहीं है, approximate form इसका ज्यादा use करते हैं, इसका exact form ज्यादा use नहीं करते हैं, फिर भी कभी कभार rarely वेरी रेयरली, दिस इज रेयरली यूज, याद तो आपको रखना पड़ेगा आइडियली, इसका ज्यादा यूज नहीं है, पर फिर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जो छुपे छुपे होते हैं, जो इग्नोर होते हैं, लोगों के दिमागों में भूल गए होते हैं, वही तो पूछते हैं, इनके डेरिवेशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे इसका रिजल्ट ही याद चाहिए। डेरिवेशन का एक ही फायदा है कि अगर आप डेरिवेशन को आंख बंद करके विजुअलाइज करें तो फील करें कि नीचे डी प्लस एल और डी माइनस एल के टर्म आ रहे हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर को फील करने की कोशिश करें, डेरिवेशन का एक ही फायदा है, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट खाली याद रखिए, डेरिवेशन को हल्का सा फील करिए कि एक के डिनोमिनेटर में d माइनस l का स्क्वायर आया था, एक के डिनोमिनेटर में d प्लस l का होल स्क्वायर आया था, इसलिए पूरा डिनोमिनेटर d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर है, उसको डेरिवेशन से फील करेंगे तो बच जाएंगे। ओके, फिर लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन एंड ऑन पोजिशन, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन एंड ऑन पोजिशन, ऑफकोर्स मैं ये डायपोल की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर तो मैंने देखा था नेगेटिव चार्ज का असर छोटा था, पॉजिटिव चार्ज का असर बड़ा था, तो रिजल्टेंट फील्ड की भी यही डायरेक्शन आएगी, ये पॉजिटिव पास है इसका असर ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो बस हम लोग रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन यही बोलते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ पी एंड ऑन पोजिशन पे in the direction of vector p along axis, in and on position p is in the direction of p along axis, matlab uska longitudinal axis, warning केवल एक है कि internal point पे बात करें, internal point पे इसकी direction अलग है, warning लिख दीजिए, internal point हालांकि end on position का point है ही नहीं, और लिख दीजिए इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट द डेरिवेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ई इज डिफरेंट, द डेरिवेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ई इज डिफरेंट, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ ई इज डिफरेंट, डायरेक्शन ऑफ ई इज डिफरेंट, एंड इंटरनल पॉइंट्स आर नॉट इन एंड ऑन पोजिशन, इंटरनल पॉइंट अलोंग द एक्सिस आर नॉट इन एंड ऑन पोजिशन, ये हमेशा ये फील्ड बनाएंगे ऐसी बनाएंगे, इधर ऐसी होगी, यहां से घूम के ऐसी आएगी, आप फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव बोलते हैं, फील्ड की डायरेक्शन को फिर से लिख दीजिए, अलग से लिख दीजिए, इन एंड ऑन पोजिशन फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इन पॉइंट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो ये भी मैं इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव वाली डायरेक्शन ही बोलूंगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, और इसको मैं भी बोलूंगा कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने वाली डायरेक्शन है, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आने वाली डायरेक्शन है, एनीवे इसकी लाइन ऑफ फोर्स बनाते तो यहाँ भी ऐसी ही आती और यहाँ भी ऐसी ही आती, कोई डाउट्स नहीं है आपको, ये ध्यान रखिए कि अंदर फील्ड की डायरेक्शन अलग होती। ओके, बस हम इसके बाद हेडिंग दे दीजिए पोटेंशियल वी,
पोजिशन बी एट अ पॉइंट इन हेड ऑन पोजिशन ऑफ अ डाइपोल, वही है ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस डी है और इस पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल चाहिए, ये इसकी सेमी लेंथ है, ठीक है ना। अब आप बताइए मुझे पोटेंशियल निकालना है मुझे, आप बताइए जोर से बोल के ये पॉइंट पी पे क्या करूं। डेरिवेशन बिगिन करने के लिए क्या करूं, सबसे पहला स्टेप क्या हो, डिस्टेंस मार्क करें है? डिस्टेंस सही से मार्क करें कितनी है पॉइंट पी से चार्ज। हाँ, वो L, हाँ। यही गलती मैं चाह रहा था कि आप करें ये। अब पोटेंशियल निकालने के लिए ये कतई ना बोले कि यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखिए, इंटेंसिटी के लिए करते हैं वो, लिख दीजिए कैलकुलेशंस ऑफ पोटेंशियल। वी डू नॉट हैव टू ब्रिंग, वी डू नॉट हैव टू ब्रिंग a unit positive charge at the point B. We do not have to bring a unit positive charge at the point B. बल्कि तो यहाँ कोई positive charge हो या यहाँ negative charge हो तो भी potential को फर्क नहीं पड़ेगा, जो ये system यहाँ potential पैदा करेगा उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि यहाँ कौन सा charge बैठा है, ठीक है ना। लिख दीजिए पोटेंशियल प्रोड्यूस एट अ पॉइंट, पोटेंशियल प्रोड्यूस एट अ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंपॉर्टेंट एक स्टार दे दीजिए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड और साइन, द मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट, magnitude and sign of the charge present at that point. इस point पे हमें किसी charge की जरूरत नहीं। हाँ, बाकी आप सही कह रहे थे, फिर से लिख दीजिए, caps में लिख दीजिए, distances from each charge should be marked carefully. Distances from each charge should be marked carefully. हाँ, ये काम की बात है। ये पूरा D है और ये L है, और positive का ये distance है और negative का ये इस point से distance है, ये L है और इसके बाद ये D है, ये पूरा distance D plus L। अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो के क्यू बाय इसका असर देखूंगा, के क्यू अपॉन डी माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन पॉइंट, मोनोपोल है ना, अकेला चार्ज है तो ये डिस्टेंस बस ले लूंगा, अपॉन डी प्लस एल, तो के क्यू कॉमन हो जाएगा, डी प्लस एल माइनस डी प्लस एल, ये ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा, उसको स्मॉल वी से नहीं लिखेंगे, वो वेलोसिटी हो जाएगा, जितना कैप बड़ा लिखे उतना अच्छा है, के क्यू और फिर डी कैंसिल हो गया, इनटू 2l अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और क्यू इनटू 2l है p, तो k इनटू p अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी काफी यूजफुल है, इस पे दो स्टार दे लीजिए। पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, आइडियली हमें दोबारा डेरिवेशन नहीं चाहिए, आइडियली डेरिवेशन नहीं चाहिए, ये डेरिवेशन वगैरह तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, यहाँ भी एक चार्ज रख दें, अब कहेंगे पोटेंशियल निकालो, अब ये डाइपोल नहीं है पर एक नया क्वेश्चन तो है ही, तो डेरिवेशन देखने का थोड़ा बहुत एडवांटेज नए न्यूमेरिकल्स में तो बनता है, इसमें कोई माइनर वेरिएशन कर देंगे, फिर डाइपोल का फॉर्मूला आप याद रखिए, डेरिवेशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता बिना डेरिवेशन के तो आप डेरिवेशन करिए, I don't have any objection. Preferable तो है कि धीरे धीरे कई बार derive कर करके इनको दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे चलिए फिर से warning लिख दीजिए, L is the semi length. L जो है वो dipole की semi length है, L पूरी length नहीं है, ये throughout this formula में आपको ध्यान रखना है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि at a point in broad side on position of a dipole. E at a point in broad side on position of a dipole.
ये मान लेता हूं ये डायपोल है, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक पॉइंट है, ये बी है, मे बी ये ओ है, उनके बीच का डिस्टेंस सवाल ने दे दिया है। हम लोग हमेशा जहां फील्ड निकालनी होती है, जहां फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट का डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से डी लेते हैं, और डायपोल की सेमी लेंथ तो अभी भी मैंने एल और एल ली हुई है। ये डिस्टेंसेस जो भी है ये बराबर होंगे, ये एक्स मान लेता हूं, सपोज ये एक्स है, ये एक्स आप जानते तो हैं ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अभी इनिशियली मैं इस डिस्टेंस को एक्स लेके चलूंगा। अब मुझे करना तो वही है, सबसे पहले क्या करना है पॉइंट बी पे, अब आप इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो लिख दीजिए इमेजिन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पी, क्योंकि क्या पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए तो पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा ना, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। अब मैं फिर से वही करूंगा, यहां पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसके अंदर असर को मैं ई माइनस कह देता हूं, फिर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसके असर को मैं ई प्लस कह देता हूं, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब ई माइनस इज इक्वल टू ई प्लस इज इक्वल टू ई, क्योंकि ये ई की वैल्यू है क्यू बाय एक्स स्क्वायर और इसकी भी वैल्यू है क्यू बाय एक्स स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है और डायरेक्शन हमने मार्क कर ही लिए, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, डायरेक्शन हमने मार्क कर ही लिए। अगर कंजेस्टेड हो रहा हो तो आप नया डायग्राम बना सकते हैं, मैं तो यही मार्क कर लेता हूं। अब मुझे एक ही ये है और एक ही ये है, ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इनका रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, क्या करूं इनका रिजल्टेंट, भाई एक का असर देखा, दूसरे का असर देखा, इन दोनों के बीच में एंगल देखा, ये एंगल कितना है पता नहीं कितना है, पर 90 डिग्री। 90 तो नहीं है, 90 तो नहीं है, और मैंने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंशन भी नहीं किया है, तो ऐसा भी नहीं कि ये 60 है और ये 120 है, कुछ नहीं पता। एक का असर देखिए, दूसरे का असर देखिए, दोनों के असरों के बीच में एंगल देखिए और फिर वेक्टर सम का फॉर्मूला लगाइए, एक का असर देखिए, दूसरे का असर देखिए, इन दोनों असरों के बीच में एंगल देखिए और फिर वेक्टर सम का फॉर्मूला लगाइए। वेक्टर सम के बजाय हम एक और काम कर सकते हैं इस समय, और वो है क्या, रिजॉल्व रिजॉल्व करके, रिजॉल्व करके इसको, ये इसको मुझे थीटा मानना है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, इन दोनों एंगलों को मैं थीटा मान लेता हूं, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है और इन तीनों का सम 180 है, तो ये थीटा। अब मैं समझ गया कि ई का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, मैं इसका नया डायग्राम बना लेता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ, ये ई ऐसा आएगा, ये ऐसा आ जाएगा, इस ई का यहाँ कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा और इसका भी आएगा ई कॉस थीटा, तो जो इसके हर इंटेंसिटी के कंपोनेंट जो पैरेलल टू डायपोल हैं वो बच जाते हैं, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ई पैरेलल टू डायपोल एक्सिस एड अप एंड कंपोनेंट्स ऑफ ई परपेंडिकुलर टू डायपोल एक्सिस कैंसिल आउट, डायपोल एक्सिस कैंसिल आउट,
इसके ये कॉम्पोनेंट ई का, ये साइन थीटा और ये ई का साइन था, इस वाले का कॉस यहाँ आएगा साइन यहाँ आएगा, इस वाले का कॉस यहाँ आएगा साइन यहाँ आएगा, ये साइन साइन कैंसिल कर देंगे तो आप जानते हैं यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी। और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो आप जानते हैं अब 2e cos थीटा होगी, जहां e जो है वो एक चार्ज का असर है, तो k क्यूब बाय x स्क्वायर है। और cos थीटा को देख लेता हूं, यहां पर इस ट्रायंगल में ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, cos थीटा है l बाय x, तो इंटेंसिटी जो होगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में जो इंटेंसिटी हो गई वो भी k, उसके बाद q into 2l, q into 2l upon x cube, upon x cube, so जाएगा k e upon x cube, broad side on position में intensity की ये direction हो गई। मैं ये तो जानता ही हूँ कि x की value क्या है, x है under root d square plus l square, ये pi पर, triangle का hypotenuse है, तो जाएगा k p अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट का क्यूब, जाएगा के टी अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है, इस पे भी हमें एक स्टार लगाना होगा। मैं इसके डेरिवेशन में भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं और ये रिजल्ट आपको लूज करना पड़ता है, हालांकि इस फॉर्म में भी ये रिजल्ट ज्यादा यूज नहीं होता, थोड़ा रेयरली यूज होता है, पर खैर याद रखें तो अच्छा है। बस एक बात ध्यान रखें कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में ट्रायंगल बनता है, तो डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आएगा, और अगर हाइपोटेन्यूज आएगा तो उसमें डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का टर्म तो हो ही नहीं सकता, इतना भर ले दीजिए केवल, बाकी कोई बात नहीं, इतना ले दीजिए इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन For derivation, we have to construct a right angle triangle. We have to construct a right angle triangle. And in the final formula of intensity, in the denominator, there is a term of hypotenuse. There's a term of hypotenuse of the triangle. So denominator will be of the form under root d square plus l square. उसके power 3 के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, power कुछ भी हो, upon triangle में hypotenuse नीचे आ रहा है तो under root d square plus l square तो आ रहा है, पक्की बात है, लिख दीजिए there cannot be a minus sign in the denominator. डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं हो सकता, बस इतना ही याद रखना है। वो जो एंड ऑन पोजीशन में डेरिवेशन किया था वहां दोनों ट्रायंगल नहीं बन रहा था, वहां दोनों पॉइंट सामने थे, एक पॉइंट एक चार्ज से दूरी डी माइनस एल थी, एक चार्ज से दूरी डी प्लस एल थी, एक क्यू अपॉन डी माइनस एल का होल स्क्वायर आया था, एक क्यू अपॉन डी प्लस एल का होल स्क्वायर आया था, और इनको माइनस किया था तो डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर रह गया। आप केवल डिनोमिनेटर्स को थोड़ा याद करने की कोशिश करें, और डेरिवेशन का केवल वही मतलब है, डेरिवेशन की वैसे जरूरत नहीं थी पर हमने किया है तो हम उसे वेस्ट नहीं जाने दे रहे। एंड ऑन पोजिशन में पॉइंट सामने ही है, डी माइनस एल का स्क्वायर और डी प्लस एल का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएंगे और टोटल मिलकर वो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएंगे। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में ट्रायंगल को जरूर विजुलाइज कीजिए आंख बंद करके, और बोलिए कि अपॉन में हाइपोटेन्यूज आ रहा है तो हाइपोटेन्यूज में तो माइनस साइन नीचे आ ही नहीं सकता, इतना बस फायदा उठाइए डेरिवेशन का। अब फिर से हेडिंग दे दीजिए, डायरेक्शन ऑफ ई एट अ पॉइंट इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ ई एट अ पॉइंट इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, direction of E at a point in broadside on position. तो वो तो अभी हमने डिस्कस किया था डेरिवेशन में, इस पॉइंट पे एक ये था
इनके ये कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे थे, और दिखा ही था कि कंपोनेंट पैरेलल टू द डायपोल एक्सेस बच जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी जो फील्ड है यहां से यहां जाती है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, एक्सेस के पर ये पैरेलल है, बस क्लियरली लगा दीजिए, एक स्टार लगा दीजिए इस पे और लिख दीजिए कि फील्ड इज डायरेक्टेड पैरेलल टू द एक्सेस, पैरेलल टू द एक्सेस बट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में फील्ड की ये डायरेक्शन है एक्सेस के पैरेलल, एक्सेस के पैरेलल। हमें यहां अगर फील्ड बनानी है तो हमको ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हम तो यहां से बदलने वाली उठा के एक लाइन ऑफ फोर्स बना देंगे और यहां टेंजेंट मार देंगे। अगर आपको यहां फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो लाइन ऑफ फोर्स बना दीजिए और टेंजेंट मार दीजिए, यहां फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो लाइन ऑफ फोर्स बना दीजिए और टेंजेंट मार दीजिए, बाकी हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, एक ऑब्जर्वेशन हम ये कर सकते हैं, लिख दीजिए ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बोथ एट एंड ऑन पोजिशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, बोथ एट एंड ऑन पोजिशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन ई इज पैरेलल टू एक्सेस, या तो पैरेलल बोल सकते हैं या एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, ई इज पैरेलल टू एक्सेस कहीं भी ये, नो वेयर इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेस, नो वेयर इट इज परपेंडिकुलर टू एक्सेस, मतलब आउट ऑफ, फिर से लिख दीजिए, आउट ऑफ एंड ऑन और ऑब्लिक ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, आउट ऑफ एंड ऑन ऑब्लिक ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। ये बात दिमाग में बैठ जाए तो हो सकता है सिली मिस्टेक से बच सकते हैं आप कभी कभार, अलग से तो कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, पर एंड ऑन पे भी फील्ड एक्सिस के पैरेलल है, ब्रॉड साइड ऑन में भी वो पैरेलल है, हाँ आप उसे और प्रिसाइज चाहें तो एंटी पैरेलल कह सकते हैं, पर कहीं भी फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर तो नहीं, मतलब मैं एंड ऑन या ब्रॉड साइड ऑन में से बात कर रहा हूं, एंड ऑन में या ब्रॉड ऑन में, एंड ऑन में या ब्रॉड ऑन में कहीं भी फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर तो नहीं। अब हेडिंग दे दीजिए वी एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ये अगर डाइपोल है तो ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के सारे पॉइंट्स हैं। अब तो आप जानते हैं अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस भी डी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सारे पॉइंट्स है ना, दोनों एंड से सेम डिस्टेंस पे रहते हैं, जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है, जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही इसका है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल हो जाएगा एक का प्लस के क्यू बाई डी और दूसरे के का हो जाएगा माइनस के क्यू बाई डी, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास हर पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करता है और नेगेटिव चार्ज अपने आसपास हर पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल पैदा करता है, तो आ जाएगा जीरो। तो बस ये फैसला भी ले लेते हैं कि एट ऑल पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल, एट ऑल पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल बी इज इक्वल टू जीरो, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो होता है, मतलब ऐसे ही हम यहाँ फिर ऐसा डायपोल बना देते हैं, ये माइनस है ये प्लस है ये मिड पॉइंट है, यहाँ हम बोलते हैं ई इज नॉट इक्वल टू जीरो बट बी इज इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी तो जीरो नहीं है क्योंकि अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लाऊंगा तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इनका तो आपने बहुत कुछ बनाया होगा, चाहे वो प्लॉट भी बनाया था होगा, ई का इंटेंसिटी के वेरिएशन का प्लॉट, भी बना सकते हैं इंटेंसिटी के वेरिएशन का, अंदर फील्ड एडिटिव है ऐसा लिख दीजिए, इनसाइड फील्ड ड्यू टू बोथ द चार्जेस इज एडिटिव, अंदर जो फील्ड है वो दोनों चार्जेस के कारण एडिटिव है, एंड देयरफॉर देयरफॉर न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल
विल नॉट बी ऑब्टेंड एट एन इंटरनल पॉइंट. मैं तो केवल ये कह रहा था कि अनलाइक चार्जेस के अंदर नहीं आता, लाइक के अंदर आता है, अनलाइक के बाहर आता है. अब तो ये तो बाय चांस कर अनलाइक और इक्वल भी हो गए तो इसका तो न्यूट्रल पॉइंट इंफिनिटी पे आएगा, कहीं भी नहीं आएगा. हम लोग बोलते थे कि लाइक के अंदर आता है, अनलाइक के बाहर आता है और छोटे के करीब आता है. अब यहाँ छोटा तो कोई है ही नहीं, डाइपोल में तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट है. लिख दीजिए एक पॉइंट, काम का तो नहीं है ज्यादा वैसे, कि फॉर अ डाइपोल a neutral point is not obtained at any finite distance from the two charges. चाहे तो ये बोल सकते हैं कि it can only be obtained at infinity. मुझे तो केवल आपको ये बताना था कि इंटरनल पॉइंट पे ई जीरो नहीं है, एडिटिव. डाइपोल में इंटरनल पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे ई जीरो नहीं है, एडिटिव है. हाँ, पोटेंशियल तो जीरो है. चलिए अब ज्यादा काम की बात करते हैं और वो है शॉर्ट डाइपोल. एक्चुअली जिन डाइपोलों से हम लोगों का जिंदगी में वास्ता पड़ता है ज्यादातर वो शॉर्ट डाइपोल होते हैं. कम से कम केमिस्ट्री में तो सारे के सारे शॉर्ट डाइपोल ही होते हैं. शॉर्ट डायपोल की परिभाषा यह है कि एल इज मच मच लेस देन डी. वो डायपोल की सेमी लेंथ थी ना, या तो डायपोल की लेंथ थी ना, वो डी से काफी कम होना चाहिए. डायपोल की सेमी लेंथ या डायपोल की लेंथ, वो दोनों डी से काफी कम होनी चाहिए. तो बस अब इस कंस्ट्रेंट को अगर किसी न्यूमेरिकल में, वैसे बहुत जरूरत नहीं पड़ती है आपकी, पर फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई कब डाइपोल को शॉर्ट बोले और कब ना बोले, तो हम ये बोलते हैं कि वह डी बाय एल, जैसे 10 मान लेता हूं, क्या ग्रेटर देन की लेस देन? डी बाय एल इज ग्रेटर देन 10, डी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो भी आप अप्रोक्सीमेटली इसको शॉर्ट डाइपोल मान सकते हैं. इफ डी बाय एल इज ग्रेटर देन 10, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें था कि कभी मैं लेस देन लिख रहा हूं, कभी ग्रेटर देन लिख रहा हूं. आपको देखना पड़ेगा कि मैं इसकी इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं. अगर डी बाय 10 से बड़ा है तो आप डायपोल को शॉर्ट अज्यूम कर सकते हो. अब हम जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, वापस फॉर्मूले पढ़ते हैं. एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी और पोटेंशियल का, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी और पोटेंशियल का फॉर अ शॉर्ट डायपोल. लिख दीजिए समरी ऑफ फॉर्मूले. नंबर वन, E in end on position. Of course, मैं short dipole की बात कर रहा हूं. E in end on position. E जो आता है वो होता है, अगर मैं इसी बात में एक्चुअली कंप्लीट फॉर्मूला रिवाइज करना चाहता हूं, 2BD upon D square minus N square का होल स्क्वायर. इसमें L को तुम D के कंपैरिजन में जीरो डाल दो. L is less than D. Put L equal to zero. इन डिनोमिनेटर x d के कंपैरिजन में l नेगलिजिबल, तो d के स्क्वायर में से कोई छोटा टर्म अगर आप माइनस जो कर रहे हो नहीं भी माइनस करो तो फर्क नहीं पड़ेगा. तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए एंड ऑन पोजीशन में वो आएगा k 2pd. न्यूमरेटर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये d स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये 2pd / d टू द पावर 4 है, ये 2p / d क्यूब. बस एंड ऑन पोजीशन में, एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 2p / dq, और इसकी डायरेक्शन है वेक्टर p की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. 2p / dq इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p. ये हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. एंड ऑन पोजीशन में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया, इंटेंसिटी का ये वाला जो फॉर्मूला आया ना, इसमें आप चार स्टार दे दीजिए. ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका न्यूमेरिकल बन तो सकता है, अगर कम है तो याद करें इसको भी, धीरे धीरे आपकी मेमोरी में से इवेड हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला दोबारा बहुत ही रेयरली किसी न्यूमेरिकल में आपके सामने आएगा. बार बार न्यूमेरिकलों में आपके सामने केवल यही आएंगे,
आपके सामने बार बार यही फॉर्मूले आएंगे, इसलिए आप धीरे धीरे से भूल जाएंगे, पर अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो इसको भी ध्यान रखिए। वैसे मोस्टली चलेगा, भूल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये एनोन पोजीशन है, टू पी बाई डी क्यू। मैं अपने आंसर क्यू के टर्म्स में नहीं दे रहा, क्योंकि मैं फील्ड ड्यू टू डाइपोल कह रहा। अगर मैं फील्ड ड्यू टू मोनोपोल करूंगा तो मैं आंसर क्यू के टर्म्स में दूंगा। डाइपोल की बात कर रहा हूं तो मेरे आंसर पी के टर्म्स में आने चाहिए। डाइपोल मोमेंट इसीलिए डिफाइन किया था। अभी मैं लिख लेता हूं नंबर टू, पोटेंशियल एंड ऑन पोजिशन में। पोटेंशियल एंड ऑन पोजिशन में पोटेंशियल का फॉर्मूला शायद कुछ था, के पी और डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आया था क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला? हल्का सा भूल रहे अगर तो डिराइव कर लेते हैं। एंड ऑन पोजीशन का पॉइंट है, एंड ऑन पोजीशन का पॉइंट है, एक आ जाएगा के क्यू अपॉन डी प्लस एल, और हाँ एक आ जाएगा के क्यू अपॉन डी माइनस एल। हाँ ठीक है, कुछ के क्यू डी कैंसिल हो जाएगा, टू एल टाइप का टर्म आ जाएगा और डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ के पी बाय, यही आंसर आ रहा था। इधर मैंने एक माइनस इग्नोर कर दिया है, यही आंसर आ रहा था। एल को नेग्लिजिबल डाल देते हैं, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला इसका के पी बाय डी स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला इसका के पी बाय डी स्क्वायर है, ये ज्यादा काम का है। इसमें तो खैर कोई असर ज्यादा फर्क पड़ा भी नहीं, इसको तो अच्छा ही है, एग्जैक्ट याद करो और उसमें एल को जीरो डाल दो। ठीक है, अब पोटेंशियल के फॉर्मूले में भी डी स्क्वायर आ गया। मोनोपोल, मोनोपोल के फॉर्मूले में ये क्यू बाय डी आता था, पर डाइपोल के फॉर्मूले में ये क्यू बाय डी स्क्वायर आ गया। अलग से ऑब्जर्वेशंस की भी एक बार बात करेंगे। अब ऐसे ही ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन की बात कर लेते हैं, ऐसे ही ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन में इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट फॉर्मूला था शायद के और खाली पी अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इसमें मैं अगर अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं, एल को जीरो डाल रहा हूं, तो हो गया के पी अपॉन डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, से हो गया के पी अपॉन डी क्यू, पी अपॉन डी क्यू। अब इंटेंसिटी में 1/dQ आना शुरू हो गया। अगर मोनोपोल की बात करते थे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/d² हुआ करता था, KQ बाय डी स्क्वायर, ये KP बाय डी क्यूब हो गया। तो ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन में ये फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा, ये शायद ही कभी काम आए। इस पे चार्ज था, इस पे चार्ज था, और फिर फाइनली पोटेंशियल ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन में पोटेंशियल, तो वो तो हर पॉइंट पे जीरो ही है, अभी भी पोटेंशियल तो जीरो ही है, शॉर्ट डायपोल के लिए भी और लॉन्ग डायपोल के लिए भी। ठीक है, अब जरा कंपैरिजन, चलिए ऐसी हेडिंग दे दीजिए, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी इन एंड ऑन पोजीशन एंड इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। कंपेरिजन ऑफ इंटेंसिटी इन एंड ऑन पोजिशन एंड इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन ऑफ अ शॉर्ट, SHORT शॉर्ट ऑब्लिक लॉन्ग डाइपोल। कंपेरिजन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ शॉर्ट ऑब्लिक लॉन्ग डाइपोल। तो मैं एक्चुअली फॉर्मूले से नहीं करना चाह रहा, फॉर्मूले से तो कंपैरिजन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं सिर्फ थ्योरी से रिवाइज करना चाह रहा हूं। मेरा कहना है मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और इससे लाइन ऑफ फोर्स निकलती है जो पॉजिटिव से सेल्फ के नेगेटिव की तरफ जाती है, ऐसी लाइन ऑफ फोर्स निकलती है। ठीक है ना, मान लीजिए यहां से 1 2 3 4 5 छह लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, सपोज छह लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, जितनी भी लाइन ऑफ फोर्स निकलती है ना, यहां वाली भी मुड़ेगी तो है ही, तो
ये सब फाइनली इसकी तरफ आती हैं, ऐसी जाती हैं, ऐसी। तो इसलिए मैंने टोटल सात बनाई है डायग्राम में, जितनी भी लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं उसकी आधी इधर जाती है, आधी इधर जाती है ना, ये एक ऐसी इधर चली जाती है, सात बनाई है, चलिए एक यहां जा रही है, बाकी छह की बात करें तो तीन इधर चले गए और तीन इधर चले गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां जहां लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा है वो फील्ड ज्यादा होती है, तो अप्रोक्सीमेटली यहां और यहां फील्ड कंपेयर कर सकते हैं, यहां छह या सात लाइन्स ऑफ फोर्स हैं और यहां तीन लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में फील्ड एंड ऑन पोजिशन के हाफ हुई ना, ऐसे एक लाइन दीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, approximately the number of lines of force in the broadside on position are half those of through, of course after half those number of lines of force through end on position, seven चली थी, एक यहाँ जा रही है, तीन यहाँ जा रहे हैं, तीन यहाँ जा रहे हैं, इधर कहीं देखेंगे तो सिक्स सेवन होगी और इधर देखेंगे तो थ्री होगी, तो अप्रोक्सीमेटली ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में फील्ड आधी, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में फील्ड आधी है, तो बस फिर से लिख दीजिए, देयरफॉर फील्ड इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन इज वीकर, जो ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में फील्ड है वो वीकर है। अप्रोक्सीमेटली आधी है, कोई अप्रोक्सीमेटली इसलिए भी आधी है, हम तो इसकी एक डायग्रामेटिकल समरी बना सकते हैं, एक डायमेट्रिकल समरी बना दीजिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहां पे आप इधर लिख दीजिए इंटेंसिटी 2P/dQ और यहाँ इंटेंसिटी लिख दीजिए P/dQ, ठीक है ना, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल जीरो लिख दीजिए, यहाँ पोटेंशियल लिख दीजिए इंटेंसिटी है ऑब्वियसली, और यहाँ है प्लस P/d² के, जो कॉन्स्टेंट है वो मैं नहीं लगा रहा, यहाँ जो है इंटेंसिटी इंटेंसिटी तो वही रहेगी K × 2P/dQ के और यहाँ पोटेंशियल है -K × T/d² यहाँ पोटेंशियल जीरो है, इंटेंसिटी इतनी है, डायरेक्शन भी आ गई, इसमें चारों पॉइंट पे इंटेंसिटी और डायरेक्शन सब आ गए, मैग्नीट्यूड आ गया, वोल्टेज आ गया, ये भी सीखा कि जब आप पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा करीब हैं तो आपका आंसर ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, और जब आप नेगेटिव चार्ज के ज्यादा करीब हैं तो पोटेंशियल आपका नेगेटिव आएगा, ये एक लाइन लिख दीजिए, व्हेन द पॉइंट पी इज क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज, व्हेन द पॉइंट पी इज क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ओवरऑल पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड व्हेन द पॉइंट पी इज क्लोज टू द नेगेटिव चार्ज is close to the negative charge, overall potential is negative. तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि E जो broad side on position में है, अगर vector के रूप में बात करें, तो minus half of the intensity in end on position, broad side on position, और ये end on position, ऐसा. क्योंकि इसमें direction ये है और इसमें direction ये है. ब्रॉड साइड पे डायरेक्शन ये है और एंड ऑन पे डायरेक्शन ये है, तो वेक्टर फॉर्म में ये आ गया अप्रोक्सीमेटली, एक में 2P/dQ है, एक में 2P/dQ है और उसमें P/dQ है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में फील्ड कमजोर होती है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में फील्ड कमजोर होती है, और इस बात की वजह से अब हम उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, हेडिंग दे दीजिए टिप्स टू रिमेंबर दी एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ ई, टिप्स टू रिमेंबर द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ ई, बस
नंबर वन इसी की बात करते हैं, एंड ऑन पोजीशन में, अगर इंटेंसिटी में एंड ऑन पोजीशन की बात करो तो के आएगा, उसके बाद 2 पीटी आएगा और डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। तो बात ये है कि भाई आंसर आपको यहाँ बड़े से बड़ा लाना है, एंड ऑन पोजीशन में फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है, आंसर बड़ा लाना है तो ऊपर खूब सारे टर्म्स आने चाहिए ताकि प्रोडक्ट बड़ा आ जाए, और डिनोमिनेटर में माइनस आना चाहिए, न्यूमरेटर को बड़ा करो और डिनोमिनेटर को छोटा करो, ऐसा लिख दो, टू इंक्रीज द डिनोमिनेटर, सॉरी टू इंक्रीज द न्यूमरेटर, टू इंक्रीज द न्यूमरेटर वी ब्रिंग टर्म ऑफ डी, एन एडिशनल टर्म ऑफ डी इन द न्यूमरेटर, एंड एडिशनल टर्म ऑफ डी एंड टू, डी एंड टू इन द न्यूमरेटर, and bring a minus sign in the denominator, bring a minus sign in the denominator, बस इतना ही है ना, हमें एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ज्यादा सही है तो आंसर बड़े से बड़ा सही है, तो न्यूमरेटर बड़े से बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटे से छोटा हो, न्यूमरेटर में टू और डी से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में टू और डी से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में एक माइनस साइन आ गया, और ये माइनस साइन के बारे में हम एक और भी इमेजिनेशन यहाँ साथ में रखेंगे, ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है, और अगर आपको यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है तो ए क्यू अपॉन डी माइनस एल का स्क्वायर है और ए क्यू अपॉन डी प्लस एल का स्क्वायर है, ये भी साइड पे बना दीजिए, डेरिवेशन से भी डिनोमिनेटर को पहचानिए, डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, तो डेरिवेशन का ये स्टेप है, ये तो एंड ऑन पोजिशन हो गई, आंसर बड़ा लाना था, न्यूमरेटर बड़े से बड़ा किया, ऊपर दो टर्म्स और आया और डिनोमिनेटर में माइनस डाल दिया ब्रैकेट के अंदर, अब देख रहा हूं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी का फॉर्मूला था के और बस खाली पी था, अब टू डी नहीं था यहां और डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। एड ऑन पोजीशन में तो यहाँ टू और डी भी आ गए थे, आंसर बड़ा लाना था ना, अब आंसर छोटा लाना है तो न्यूमरेटर छोटा से छोटा, जितना छोटा हो सकता है, इससे छोटा तो आपको हो ही नहीं सकता, कम से कम पी का टर्म तो लाओगे, इससे छोटा तो आप हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर छोटे से छोटा और न्यूमरेटर छोटे से छोटा और डिनोमिनेटर में प्लस साइन लिख दीजिए, न्यूमरेटर इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, कम से कम पी का टर्म तो आएगा ही आएगा, आंसर छोटा लाना है, the numerator is as small as possible and there's a plus sign in the denominator, plus sign in the denominator, ठीक है, और वो भी लिख दीजिए प्लस साइन के, डिनोमिनेटर इज अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल, प्लस डिनोमिनेटर इज हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, वो एंड ऑन पोजीशन में एक बात हम और कह सकते हैं, एंड ऑन पोजीशन में जो फॉर्मूला आया था ना वो था ये कुछ ऐसा, खाली न्यूमरेटर को मैं ऐसा भी पढ़ता हूँ, टू पीढ़ी, दो पीढ़ियां लग गई, आपको ये फॉर्मूले याद करने में दो पीढ़ियां लग जाएंगी, ठीक है, दो पीढ़ी, टू पीढ़ी, और बाकी बाकी तो हमको पता है एंड ऑन पोजीशन में और क्या होता है, टू पीढ़ी को आप दो पीढ़ियों से रिलेट करिए कि आपको ये फॉर्मूला याद करने में दो पीढ़ी लग जाएंगे, इतना खतरनाक फॉर्मूला है, हालांकि फॉर्चुनेटली ज्यादा यूजफुल नहीं है, एंड ऑन में दो पीढ़ी अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रॉड साइड ऑन में पी अपॉन हाइपोटेन्यूज डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, काम तो 2p/d³ और p/d³ से ही चलता रहेगा, जो काम की बातें हैं वो 2p/d³ पोटेंशियल p/d² और फिर एंड ऑफ ब्रॉड साइड ऑन में p/d³ और पोटेंशियल जीरो, फिर से चलिए लिख देते हैं यूजफुल समरी, जो एक्चुअली आप ज्यादा यूज करेंगे वो यही है यूजफुल समरी, फिर चलिए डायग्राम में ही दिखा देते हैं, डायग्राम में ही दिखा देते हैं, यहां बोलते हैं पोटेंशियल जीरो और इंटेंसिटी है p/d³,
बस पूरा नहीं लिखते, यही काम का है केवल, इसी पे 3 स्टार दे दीजिए। और यहाँ पे इंटेंसिटी है इसका, कहीं भी यहीं का इस तरफ इंटेंसिटी है के इसका डबल, 2p/dq, 2p/dq। और पोटेंशियल है जब पॉजिटिव के पास प्लस के पी, क्यू कहते हैं उसमें, नहीं p/d2। वहां वैसे मोनोपोल के लिए आता KQ/D या KP/D2 हो गया। सारे फॉर्मूले बढ़ गए, सारे फॉर्मूले बदल गए फॉर अ मोनोपोल। ये भी लिख लेते हैं, फॉर अ मोनोपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1/D2 एंड पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। फॉर अ डाइपोल ये कंपैरिजन भी कर लेते हैं, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/D3 है एंड पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/D2। ये कंपैरिजन भी कर लेते हैं, मोनोपोल के लिए इंटेंसिटी के होता था KQ/D2 और पोटेंशियल होता था KQ/D। डाइपोल के लिए ये कुछ p/d³ या 2p/d³ आ गया और पोटेंशियल कुछ या तो 0 आ रहा है या p/d² आ रहा है। ऊपर एक्चुअली q की जगह p आ रहा है और p के डायमेंशंस में तो q इनटू l है ना। न्यूमरेटर में l का टर्म बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर में भी l का टर्म बढ़ेगा ना। ऊपर p आ गया, ये q इनटू l है, न्यूमरेटर में l बढ़ गया तो डिनोमिनेटर में भी तो l बढ़ेगा ना, इसलिए d² का d³ हो गया और d का d² हो गया क्योंकि न्यूमरेटर में p आ गया, ये खुद q इनटू l होता है। एनीवे फाइनली आगे चलते हैं और अब लिखिए, हेडिंग दे दीजिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि ये एक डायपोल है और यहां एक पॉइंट है p, ये पॉइंट p है। अब आप ये बताइए कि एंड ऑन पोजीशन में है कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में है। दोनों में से कोई आप सा नहीं, फिर ठीक किसी में नहीं है। कह रहे हो, आप लोग बना के लिख दीजिए कि दिस पॉइंट इज नाइदर इन एंड ऑन पोजीशन नॉर इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये ना तो एंड ऑन पोजीशन का पॉइंट है ना ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का पॉइंट है। नाइदर इन एंड ऑन पोजीशन नॉर इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। नाइदर इन एंड ऑन पोजीशन नॉर इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। भाई अगर एग्जैक्ट एकदम यहां होता तो एंड ऑन होता और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से देख रहा होता इस बड़ी साइड को, यहां से देख रहा होता तो ब्रॉड साइड ऑन होता। इट इज कॉल्ड अ जनरल पॉइंट, इट इज कॉल्ड अ जनरल पॉइंट। अगर पॉइंट एंड ऑन में नहीं है और ब्रॉड ऑन में नहीं है तो हम इसे जनरल पॉइंट कहेंगे, जनरल पॉइंट कहेंगे। आप हेडिंग दे दीजिए, ई ड्यू टू अ डाइपोल, ई ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट, ई ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। लिख दीजिए, लेट अ डाइपोल बी कैप्ट अलोंग एक्स एक्सिस, लेट अ डाइपोल बी कैप्ट विद इट्स वेक्टर पी, लेट अ डाइपोल बी कैप्ट विद इट्स वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस, लेट अ डाइपोल बी कैप्ट विद इट्स वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस। विद मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल एट ओरिजिन, डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिटरमिन दी पोटेंशियल एट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। वी हैव टू डिटरमिन द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, और ये लोग पॉइंट पी के ना हम लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट्स देते हैं ज्यादातर, ऐसा ये पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर बी कॉमा थीटा। डिस्टेंस दे देते हैं, डिस्टेंस ओपी है डी, और ये थीटा कहां से है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिए। ये थीटा इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी,
ये वेक्टर पी की डायरेक्शन है, वेक्टर पी की डायरेक्शन है। ये थीटा कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है, बस अब आपको पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकालनी है। अब ये ना तो एंड ऑन है ना ब्रॉड ऑन है, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ मैं कर नहीं सकता कि मैं इसका ले लूं के क्यू बाय डी स्क्वायर और इसका कुछ के क्यू बाय वाई स्क्वायर कुछ कर लूं, एंगल एंगल निकाल नहीं पाऊंगा। इंक्लाइंड वेक्टर्स के लिए हम लोग फिर हमेशा एक काम करते ही हैं, अब कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ेगी। आप शायद वेक्टर पी को कुछ रिजॉल्व करिए, और तो कुछ कर नहीं सकते। जब भी कुछ इंक्लाइंड चीजें होती हैं, सेलियंट पोजीशंस नहीं होती, इंक्लाइंड चीज वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। ये ओपी के रिस्पेक्ट में वेक्टर जो है ना, वेक्टर इंक्लाइंड है। अगर यही सब कुछ है तो ओपी के रिस्पेक्ट में वेक्टर इंक्लाइंड है। ऐसा लिख दीजिए, वी ऑलवेज रिजॉल्व द इंक्लाइंड वेक्टर्स, वी ऑलवेज रिजॉल्व द इंक्लाइंड वेक्टर्स। तो अब हम लोग जरूर कुछ ऐसा करने वाले हैं। ये वेक्टर पी की डायरेक्शन है, ये वेक्टर पी की डायरेक्शन है, एक यहां कुछ आ जाएगा और एक यहां कुछ आ जाएगा। अगर ये वेक्टर पी है तो यह आ जाएगा पी कॉस थीटा और यह आ जाएगा पी साइन थीटा, इसे डायग्राम में बना लीजिए। अगर ये वेक्टर पी है तो पी को रिजॉल्व कर लिया, पी कॉस थीटा में और पी साइन थीटा में, पी को रिजॉल्व कर लिया पी कॉस थीटा में और पी साइन थीटा में। अब इसके बाद बात ये है, वंस अगेन मेरे लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इंटरेस्टिंग है, डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखते ही है, लेवल तो बढ़ता ही है हमारा। अब हमारा ये कहना है जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी इज इन एंड ऑन पोजिशन ऑफ पी कॉस थीटा, ये भी मैंने कैपिटल लिखा है, ये अलग ही छोटा लिखा है, एंड पॉइंट पी इज इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन ऑफ पी साइन थीटा, बस इससे सब क्लियर कर जाएगा हमें। ये जो पॉइंट पी है, पी कॉस थीटा के एंड ऑन में है और पी साइन थीटा के ब्रॉड ऑन में है। मैंने पी को रिजॉल्व किया पी कॉस थीटा में और पी साइन थीटा में, पी को रिजॉल्व किया मैंने पी कॉस थीटा में और पी साइन थीटा में। और अब तो आप समझते हैं कि एंड ऑन वाला झटका में वहां टू पी कॉस थीटा लगा दो। इसको दोबारा ये डायग्राम बना के फिर से अलग से आप डायग्राम बना सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा बना लीजिए, इसे दूर दिखा दीजिए, बड़ा दिखा दीजिए, ओपी यहां पर आप वो दिखा दीजिए पी कॉस थीटा, ये थीटा दिखा दीजिए, ये वेक्टर पी था और इधर ये पी साइन थीटा दिखा दीजिए। अब क्या इस पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी टू पी कॉस थीटा बाय ये डी डिस्टेंस है डी क्यू के, एंड ऑन पोजिशन है ना, तो टू पी बाय डी क्यू, टू पी बाई डी क्यू, पर ये पी है ही पी कॉस थीटा, एंड ऑन पोजिशन में टू पी बाई डी क्यू पर पी है ही पी कॉस थीटा। यहां से ऐसा करके ये कुछ जाएगा, यहां से ऐसा जाएगा, थोड़ा तो छोटा बना लेते हैं इसे, क्योंकि ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में फिट छोटी आती है, इसे छोटा बना लेते हैं, और यह आएगा पी बाई डी क्यू, पर वो पी है ही पी साइन थीटा, पी साइन थीटा बाई डी क्यू। ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल भी पूरा 90 होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, ये दोनों राइट एंगल्स पर है। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो है के, मैं बाहर ही लिख लेता हूं, टू पी कॉस थीटा बाय डी क्यू का स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा बाय डी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट इसके एंड ऑन पोजीशन में है, एंड ऑन में आता है टू पी बाय डी क्यू, पर ये पी पी कॉस थीटा है, ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में है पॉइंट, ये पी बाय डी क्यू आता है और ये पी पी साइन थीटा है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में। इसका एरो मैंने बड़ा बनाया, इसका छोटा बनाया है, और अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया के, इधर मैं पी बाय डी क्यू भी कॉमन ले सकता हूं, पी बाय डी क्यू और एल स्क्वायर में कॉमन लिया हुआ था, मैं बाहर निकल लाया, फिर ये टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया।
मैथमेटिकल स्टेप्स तो वैसे भी खैर डेरिवेशन के ज्यादा काम के हैं नहीं, हम इसमें से साइन स्क्वायर थीटा को भी हटा देते हैं, ये एक ही है, ये 4 cos² θ + 1 - cos² θ कर देते हैं, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है कि P/dQ √1 + 3 cos² θ, ये पूरे में रूट के ध्यान से लगा लें, ये भी एक स्टार लाइक फॉर्मूला है, ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपको डी और थीटा दिए हों तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, डी और थीटा दिए हों तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको याद रख सकते हो तो रख लीजिए। और ये फॉर्मूला तो बड़ा दिख रहा है, पर ये फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल का है कि लॉन्ग डाइपोल का है? शॉर्ट डाइपोल, ये शॉर्ट शॉर्ट डाइपोल डाइपोल का ही है, हमने डेरिवेशन में सारे वही 2P/dQ और P/dQ भी लिए हैं, और फॉर्मूले में भी कहीं लेंथ का टर्म दिख ही नहीं रहा है। बोल दीजिए दिस इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल, यही खैर आपको लगेगा भी हमेशा, यही हमेशा लगेगा भी, ये शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला है, यही लगेगा अगर कभी लगा तो। इसी में आप थीटा को जीरो डाल दीजिए तो आपको एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, और इसी में आप थीटा को 90 डाल दीजिए तो आपको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेट वाले थीटा जीरो डाल देंगे तो एंड ऑन पोजीशन, और थीटा 90 डाल देंगे तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालना। ये फॉर्मूला P/dQ √√1 + 3 cos² θ तो ज्यादा काम का नहीं है, पर इसकी डायरेक्शन का केस थोड़ा सा खतरनाक है और वो इंपॉर्टेंट भी है। हेडिंग दे दीजिए, डायरेक्शन ऑफ ई एट अ जनरल पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ ई एट अ जनरल पॉइंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दीजिए इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दीजिए। वंस अगेन डेरिवेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके बगैर अगर आपसे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो फिर डेरिवेशन भी इसीलिए आपके लिए किए जा रहे हैं। धीरे धीरे कोशिश करिए कि बिना डेरिवेशन के रिजल्ट्स आपको याद हो जाए। भाई ये माइनस है, ये प्लस है, ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये पॉइंट पी है, ये ओ है, ये डिस्टेंस डी है, ये स्मॉल एल है और ये स्मॉल एल है, और मेरे को इस पॉइंट पे मेरा कुछ आंसर आया था कि (2P cos θ/dQ) ठीक है ना, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पी है और ये थीटा है तो यहाँ पी का कॉस थीटा है और ये पॉइंट एंड ऑन पोजीशन है, तो इधर पी का साइन थीटा था और ये इधर आया था, इधर आया था थोड़ा छोटा (P sin θ/dQ) ठीक है ना, और ये रिजल्टेंट मान लेते हैं एंगल अल्फा बराबर है, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये ध्यान से बना लीजिए। अब जो टेन अल्फा आएगा वो क्या आएगा, ये अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर मेरे बेस है, तो टेन अल्फा आएगा (P sin θ/dQ) / 2P cos θ/dQ, तो टेन अल्फा आ गया (½ tan θ), बस यही फॉर्मूला है, इसी पे 3 स्टार आपको देने थे। टेन अल्फा का फॉर्मूला है (½ tan θ), मैंने इसकी फील्ड लिखी यहां (P cos θ) के कारण एंड ऑन पोजीशन में ये (2P/dQ), और ये (P sin θ) के कारण ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में (P sin θ/dQ), और बस टेन अल्फा को ले लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आंसर आ गया। परंतु ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली काम का नहीं, क्योंकि ये एंगल अल्फा अभी किसके रिस्पेक्ट में बताया, अलग से लिख दीजिए, हियर अल्फा इज द एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ ओपी प्रोड्यूस्ड, हियर अल्फा इज द एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ ओपी प्रोड्यूस्ड, ये ओ है ये पी है, ओपी को आगे प्रोड्यूस किया है वहां से ये एंगल अल्फा है, अब ये तो बड़ी आर्बिट्री कोई तो भी डायरेक्शन हो गई। फिर ये भी काम आता है थोड़ा बहुत पेपर में, न्यूमेरिकल्स में मोस्टली आपको अल्फा एलिमिनेट करना होता है, ऐसी एक बात लिख दीजिए स्टार लगा के, इन न्यूमेरिकल्स वी हैव टू मोस्टली एलिमिनेट अल्फा, न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को मोस्टली अल्फा एलिमिनेट करना होता है,
अब इसके बाद फिर से हेडिंग दे दीजिए। डायरेक्शन ऑफ ई एट अ जनरल पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ ई एट अ जनरल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। हमें तो कायदे से भैया सारी डायरेक्शन वेक्टर पी के रिस्पेक्ट में ही बतानी चाहिए। वेक्टर पी के रिस्पेक्ट में ही बतानी चाहिए। ये अगर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई जनरल पॉइंट पी है, ये कोई जनरल पॉइंट पी है, तो यहां से मेरे को गुजरने वाली कायदे से लाइन ऑफ फोर्स बनानी थी। ऐसे ही कुछ मेरे को वो दिखाना चाहिए था, इस पॉइंट पे कहीं ले लेता तो ये रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन आ जाती। इसको आप पीछे प्रोड्यूस कर लीजिए, ये ओपी है, ये एंगल अल्फा है, 90 जैसा ना दिखे आपको, थोड़ा 90 जैसा ना दिखे, रैंडम बना दीजिए, जाना तो ऐसा चाहिए था, पर चलिए रैंडम बना दीजिए। ये ई रिजल्टेंट है, ये ओपी की डायरेक्शन है, ये एंगल अल्फा है, ये पॉइंट पी है, और ये वेक्टर पी की डायरेक्शन है, तो मैं इसको पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं, इसको मैं पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये वेक्टर पी की डायरेक्शन है, ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर ई है। इस एंगल को मैं बीटा बोल देता हूं, मुझे एक्चुअली बीटा ही चाहिए। अब ये एंगल सवाल में थीटा दिया ही रहता है और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर रिमोट एंगल्स। ये हमारे अब काम का फॉर्मूला हो गया, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, ये ज्यादा काम का हो गया हमारे। हम लोग तो अल्फा एलिमिनेट कर ही दिया करेंगे, टेन अल्फा आया था हाफ टेन थीटा, इसके और कुछ नहीं, तो अल्फा को इतना तो बोल ही सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ हाफ टेन थीटा, टेन इनवर्स ऑफ हाफ टेन थीटा, तो बीटा जो आएगा वो आएगा थीटा प्लस टेन इनवर्स ऑफ हाफ टेन थीटा। ये पूरी चीज ब्रैकेट के अंदर है, ये फाइनल आंसर है, डायरेक्शन के मामले में ये फाइनल आंसर है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका चार स्टार दे दीजिए। शायद वहीं से सपोर्ट करिए, शायद पूरी ही बात याद करिए, पहले तो आपको ये बोलना ही पड़ेगा टेन अल्फा इज हाफ टेन थीटा, तो आपको ये बोलना पड़ेगा बीटा इज अल्फा प्लस थीटा, जब बीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई, रिजल्टेंट फील्ड है, ये इधर जो कंपोनेंट आया था, इधर और इधर जो कंपोनेंट आया था, उसका रिजल्टेंट है ये, और हमें इसी से मतलब है, कंपोनेंट से हमें कोई मतलब नहीं, और फिर बीटा का फाइनल फॉर्मूला, अल्फा तो नहीं चाहिए, थीटा प्लस टेन इनवर्स और अंदर सब कुछ हाफ टेन थीटा, ये काम की चीजें हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज और पढ़ा रहा हूं लास्ट, यही हेडिंग दे दीजिए, बी एट अ जनरल पॉइंट, बी एट अ जनरल पॉइंट डायरेक्टली बहुत डेरिवेशन तो ये भी काम का नहीं है, पर अच्छा है आप कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। V at a general point, potential at a general point. End on में हमने कुछ देखा था, कुछ P upon D square minus L square आ रहा था K के साथ, और broad on के तो हर point पे zero था ही। अब यही इसी general point पे बात करते हैं, P पे ही potential. इसका diagram मैं अलग तरीके से बनाता हूँ। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और ये मान लेते हैं कहीं पी है, इधर पॉजिटिव ले लेता हूं क्योंकि एंगल मुझे यहां से लेना पड़ता है, इस एंगल को थीटा कहते हैं, ये ध्यान से देख लीजिए, ये पी है और ये ओ है। आपकी आदत एक तरह से डायग्राम बनाने की है, क्वेश्चन दूसरी तरह से डायग्राम बनाने के दे देगा तो आपको दिक्कत होगी। ये थीटा लेते हैं क्योंकि वेक्टर पी की ये डायरेक्शन है और ओपी की ये डायरेक्शन है, ये थीटा लेते हैं। यार मैं शॉर्ट डाइपोल की ही बात कर रहा हूं, अब मुझे पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल तो हमेशा सबसे आसान चीज होती है क्योंकि एक का असर देखे दूसरे का असर देखे, एंगल देखने की जरूरत नहीं, दोनों को ऐड कर दीजिए, पोटेंशियल सबसे आसान होता है। मैं यही मान रहा हूं कि ये जो डी है ये मच मच ग्रेटर देन एल है,
ये डिस्टेंस को आप आर वन मान लीजिए और ये डिस्टेंस को आप आर टू मान लीजिए, और ये वाले डिस्टेंस को तो डी कहा ही गया है, ये तो डी है ही। अब एक्चुअली अगर वास्तव में डी बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, ऐसे डेरिवेशंस ये ऑप्टिक्स में भी आएंगे, वे ऑप्टिक्स में भी इस टाइप की डेरिवेशंस की बात हम करेंगे, तो ये अच्छा ही रहता है, सब डिटेल में समझ लेना अच्छे से। आप ये तीनों लाइनें एक्चुअली पैरेलल हैं, हमने डायग्राम में पैरेलल दिखाई नहीं है ताकि हमें सब समझ में आए दिखे, पर अगर डी वास्तव में बहुत ज्यादा दूर का पॉइंट है, ये तो इतना सही है, ये तो 1 डिग्री आर्मस्ट्रांग है और इसका असर हमें कहीं भी देखना है, तो तीनों लाइन पैरेलल है, लिख दीजिए एक्चुअली दिस थ्री लाइंस आर पैरेलल, एक्चुअली ये लाइंस पैरेलल है, कायदे से ये सारे एंगल थीटा, ये सब हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये वर्टिकल है, वर्टिकल से इसका भी एंगल थीटा, वर्टिकल से इसका एंगल भी थीटा, वर्टिकल से इसका भी एंगल थीटा, ये तीनों लाइन पैरेलल। अब मुझे करना तो यही है, जो पोटेंशियल चाहिए तो मुझे के क्यू इंटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 करना है, कुछ हो जाएगा भी हो जाएगा, के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ठीक है, और R1 और R2 दोनों को मैं अप्रोक्सीमेटली R कह सकता हूं, ये तो बहुत शॉर्ट डायपोल है, D बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं, तो R1 और R2 करीब ये दोनों ही D के बराबर हैं, दोनों ही D के बराबर हैं, तो R1 इंटू R2 जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना वो D स्क्वायर हो गया, R1 भी एक्चुअली D है और R2 भी D है, ये भी डी है और ये भी डी है, क्योंकि ये एक्चुअली डायपोल बहुत छोटा है, दिस डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। अब असली बात आती है, मुझे ये निकालना, आर टू माइनस आर वन निकालना है, अगर आर टू माइनस आर वन निकालना है तो कायदे से मुझे यहां से एक आर खींचती रहनी चाहिए, पी को सेंटर लो, आर वन को रेडियस लो और यहां से एक आर खींच लो, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इसको डेल्टा आर कहूंगा मैं, ये इसको मैं डेल्टा आर कहूंगा, ऐसा कुछ लिख दीजिए वहां पर, If P is center and R1 is radius, draw an arc. ये पूरे डेरिवेशन एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे हम वेव ऑप्टिक्स में करेंगे। With P as center and R1 as radius, draw an arc. अगर ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट मान लीजिए T था, तो एक्चुअली TQ is delta. वेव ऑप्टिक्स में आप इसे पाथ डिफरेंस कहेंगे। यही जो है वो कुछ आर टू माइनस आर वन है, यही हमारी एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर था, कायदे से मुझे टी क्यू निकालना है आर खींच के, पर सारी कैलकुलेशंस आप जानते हैं कि कभी हम ये आर वगैरह कभी नहीं खींचते, बदले में क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्राइंगल, ट्रायंगल राइट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए इस लाइन पे, आगे लिख दीजिए ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को मैं कुछ एस कह दे रहा हूं, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस ऑन द लाइन टीपी, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस ऑन द लाइन टीपी, और ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बोला है क्योंकि, अब इस बड़े मुझे एक्चुअली ये निकालना है, ये निकालना है, अब क्या अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ही है, वो जो क्यू तक का डिस्टेंस था भाई, अगर ये वाकई ये छोटा ट्रायंगल बना है, अगर ये वाकई छोटा ट्रायंगल बना है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं टी आर, इसको पता टी आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी क्यू, मैं काम तो सारा ट्रायंगलों से ही कर सकता हूं, आर्क बना के मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने ये ट्रायंगल बनाया था, अब जो टी आर है और पी क्यू है वो मैंने बराबर अज्यूम कर लिए, इट इज एन अप्रोक्सीमेशन चलेगा, अब इस ट्रायंगल में देखता हूं मुझे बेस निकालना है और हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में, कॉस थीटा निकालूंगा तो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टी आर अपॉन टी एस, तो ये आएगा टी आर जो कि डेल्टा आर है अपॉन टी एस, और जो टी एस है वो 2L है, दोनों डायपोल्स के बीच की पूरी लेंथ है,
कैपिटल एल लिख दिया मैंने, मैं इसे स्मॉल एल और इसे स्मॉल एल नहीं लिख रहा, मैं पूरे को कैपिटल एल लिख दे रहा हूँ। आपकी बात पूरे को कैपिटल एल लिख दिया, तो इस तरह से जो डेल्टा आर आ गया वो आ गया एल कॉस थीटा। ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। अब मैं अगर पोटेंशियल की बात करूं तो वो के क्यू फिर आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू आया था, तो इसका असर देखा और इसका असर देखा, पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल निकाला, नेगेटिव के कारण पोटेंशियल निकाला और माइनस कर दिया। अब के क्यूब और जो आर टू माइनस आर वन है वो आ रहा है यहाँ एल कॉस थीटा, और ये जो आर वन है ये भी डी है और जो आर टू है ये भी डी है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया के और क्यू इंटू एल हो गया पूरा पी, के पी कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। पोटेंशियल का फॉर्मूला कैपिटल बी से लिखते हैं, से स्मॉल बी से नहीं। पोटेंशियल का फॉर्मूला है के पी कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर। जो टर्म है एल वाला, वो डाइपोल्स के बीच, वो प्लस और माइनस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके मैंने एल को अब दोनों चार्जेस के बीच का पूरा डिस्टेंस ले लिया है। जी सर। आप उसे 2L भी ले सकते हैं, फिर वहां 2L इंटू क्यू को डाइपोल मोमेंट कह देना। मैंने एल को सेमी लेंथ नहीं लिया है, दोनों चार्जेस के बीच का पूरा डिस्टेंस ले लिया है। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है और ये पूरे को हाइपोटेन्यूज ले लिया है। मेरा पूरे हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में मेरे को डेल्टा आर मिल गया, पाथ डिफरेंस। साउंड में करते थे ना S1P और S2P और फिर पाथ डिफरेंस निकालते थे एन लैम्डा वाला, वही किया है हमने। मैंने इस पूरे डिस्टेंस को एल ले लिया है और एल कॉस थीटा का टर्म वहां आया था और क्यू इंटू एल को पी लिख दिया है, बात खत्म। आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है कि जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का एप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, पोटेंशियल का एप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है के पी कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर। एप्रोक्सीमेटली इसलिए क्योंकि आपने शॉर्ट डायपोल के लिए डिराइव किया है, और अगर मैं एग्जैक्ट चाहता तो मुझे शायद आइडिया है, अगर और मैं डेरिवेशन की तो जरूरत नहीं है, शायद रिजल्ट की जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल का, ये एग्जैक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इसको अब याद कर लीजिए, एंड ऑन जनरल पोजीशन में हम एक बार पढ़ा एंड ऑन, एक बार पढ़ा ब्रॉड साइड ऑन, एंड ऑन एक बार ब्रॉड साइड ऑन और एक बार जनरल पोजीशन, ठीक है। और अब एक लास्ट बात मैं और पढ़ा देता हूं, एक आखिरी बात और कर देते हैं, और वो है ईपीएस ड्यू टू अ डाइपोल, ईपीएस ड्यू टू अ डाइपोल बोर्ड के लिए थोड़ा काम का होगा, बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ईपीएस ड्यू टू अ डाइपोल ऐसा बनता है, डायरेक्ट बना देता हूं। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो पहले तो यहां पे ई जीरो जीरो वाली लाइन आती है। अब आपको जरा ध्यान से देखना होगा, अब ध्यान से देखना होगा, डायपोल के अंदर फील्ड एडिटिव होती है, तो अंदर फील्ड स्ट्रांग होती है बाहर के कंपैरिजन में। तो यहां जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो तो थोड़ा दूर दूर होती हैं। ये जो यहां पर ये ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसा बनेगा, ये डिस्टेंस भी थोड़ा सा बढ़ेगा और ये डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा, ये थोड़ा सा बढ़ेगा और ये डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा ही इधर भी ये ऐसा आएगा, ये थोड़ा सा डिस्टेंस है ये ज्यादा आएगा, ये थोड़ा और बढ़ेगा और ये ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा ये डायपोल बनती है। ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, यहाँ ऐसी थोड़ी सी पिचक जाती है, यहाँ पिचक गई और यहाँ इस पर ये बड़ा सा सर्कल बन गया, यहाँ थोड़ा फ्लैट हो जाता है, यहाँ थोड़ा ये पिचक गया,
और यहाँ इसका सर्कल काफी बड़ा बन गया। ये डायपोल की एपीएस है, ये डायपोल की एपीएस है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है। एक्चुअली यहां पे फील्ड वीक है, वीक फील्ड, और अंदर तो फील्ड एडिटिव होती है, अंदर फील्ड एडिटिव है। और आप जानते हैं ई का फॉर्मूला माइनस डीवी बाई डी आर होता है, तो सेम डीवी के लिए, सेम डीवी के लिए ई प्रोपोर्शनल टू वन बाई डी आर। यहां फील्ड वीक है क्योंकि यहां फील्ड सब्सट्रैक्टिव है, इसका असर और उसका असर यहां कैंसिल होगा, इसका असर और इसका असर अंदर तो ऐड होगा, तो यहां काफी तेजी से फील्ड कम हो जाती है, 1 बाय डी क्यूब के हिसाब से कम हो रही है, या फिर काफी तेजी से कम हो जाती है। अगर ये मान लीजिए 10 वोल्ट का ईपी पोटेंशियल है, इसको मैं इस वाली लाइन को 20 वोल्ट का ले लेता हूं और इसको 15 वोल्ट का ले लेता हूं, तो 20 और 15 में अंदर डिफरेंस कम है, 20 और 15 में यहां डिफरेंस ज्यादा है, और 15 के बाद ये मैं 10 मान लेता हूं, तो 15 और 10 में यहां डिफरेंस कम है और 15 और 10 में यहां डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। ये 20, 15, 10, 5, 2.5 और ऐसा करके यहां जीरो आ जाता है। यहां वीक फील्ड है, डिस्टेंस तो यहां भी बढ़ रहा है, फील्ड तो एक्चुअली इधर से वीक हो रही है। जब आप एक चार्ज के काफी करीब हो तो इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, जब आप इससे दूर जा रहे हो तो हालांकि उसका असर भी ऐड हो रहा है पर फिर भी रिजल्टेंट फील्ड घट रही है। लिखिए ऐसा, एट इंटरनल पॉइंट्स आल्सो फील्ड नियर अ चार्ज इज मैक्सिमम, फील्ड नियर अ चार्ज इज मैक्सिमम, इंटरनल पॉइंट पे भी फील्ड नियर अ चार्ज इज मैक्सिमम, एंड फील्ड एट द सेंटर इज मिनिमम, फील्ड एट द सेंटर इज मिनिमम। ये बड़े फाइन पॉइंट्स हैं वैसे, ये डिस्टेंस भी आपको इसीलिए बढ़ता हुआ दिखाना पड़ेगा ना, डीवी तो हम सेम ले रहे हैं, डीवी सेम ले रहे हैं, और यहाँ फील्ड वीक है अगर तो फिर डीआर ज्यादा होगा, और यहाँ तो फील्ड काफी ज्यादा वीक है, मच वीक फील्ड, यहाँ मच वीक फील्ड है और यहाँ इस तरफ लिटिल वीक है, लिटिल वीक है, तो ये भी डीआर बढ़ तो गया है पर ये थोड़ा कम बढ़ा है और ये काफी ज्यादा बढ़ा है। ऐसे यहाँ क्या होगा मालूम है, इसके आसपास पोटेंशियल ये आएगा -20 वोल्ट का एपीएस, ये आएगा -15 वोल्ट का एपीएस, ये आएगा -10 वोल्ट का एपीएस, ये आएगा -5 वोल्ट का एपीएस, ये आएगा -2.5 वोल्ट का एपीएस, और फिर -1 और फिर फाइनली ऐसा जीरो हो जाएगा। ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, समझ रहे बात को आप। यहां वीक फील्ड काफी ज्यादा वीक है, तो यहां डीआर काफी ज्यादा है, फील्ड वेरी वीक, फील्ड वेरी वीक, तो डीआर वेरी लार्ज, वेरी बिग, यहां फील्ड लेस वीक, फील्ड लेस वीक, फील्ड वीक तो हो रही है, जब आप यहां जा रहे हैं तो फील्ड वीक तो हो रही है, देयरफॉर डीआर लिटिल लेस, दे आर इंक्रीजेस बाय लिटिल अमाउंट, दे आर इंक्रीजेस बाय लिटिल अमाउंट। ये मैथमेटिकल डिस्कशन नहीं है ना, इसलिए इसको करने से और कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। एक बात जरूर हम इसमें फाइनल और ऐड कर सकते हैं, लिख लीजिए फिर बात करते हैं, लिख दीजिए ऑल्सो ईपीएस एट एवरी पॉइंट, EPS at every point is perpendicular to, EPS at every point is perpendicular to the electrical line of force, is perpendicular to the electrical line of force at that point, perpendicular to the electrical line of force at that point। किताबों में आप ये डायग्राम देखेंगे इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूं। यहां से पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्स ऐसी आएगी, नेगेटिव की तरफ ये होगी ये, और यहां ऐसी होगी, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव ऑफ कोर्स, ठीक है ना, यहां ऐसे ही बना लेते, ये बना ले, ये बना ले, और यहां क्राउडेड है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ईपीएस इसके परपेंडिकुलर आनी है, तो इसके परपेंडिकुलर, फिर इसके परपेंडिकुलर, फिर इसके परपेंडिकुलर, फिर इधर आके इसके परपेंडिकुलर, फिर इधर आके इसके परपेंडिकुलर, और इधर आके इसके परपेंडिकुलर। शायद आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो आपके फिगर अपने आप मिल जाए। इसी तरह जब आप यहाँ ज्वाइन करेंगे ना, यहाँ ज्वाइन करिए, इसके परपेंडिकुलर ये, 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 और इसके परपेंडिकुलर ये, इनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये अपने आप आपको वैसे ही फिगर मिल जाए। ये फिगर मिला था, ये पहला और ये दूसरा। लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर जब आप बनाएंगे ना, लाइन ऑफ फोर्स के आप जब परपेंडिकुलर बनाएंगे तो अपने आप को आपको ये मिल जाए। तो कुछ डायग्रामों में वो लाइन ऑफ फोर्स भी दिखाते हैं और ईपीएस भी दिखाते हैं, वो देखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कि डायपोल की ईपीएस बनाइए, तो आपको ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें लाइन ऑफ फोर्स भी है और ईपीएस भी है, आप सिर्फ ईपीएस वाला बनाइए, ये बनाइए और इसके बाद ये बनाइए, यहां पर ऐसा ऐसा, बस ऐसा बनाना, इतना ही बनाना है आपको, बस ऐसा डायग्राम बनाना। और ये भी पूरा प्लेन है, इसे इमेजिन कराने के लिए, इसे इमेजिन कराने के लिए वो इसको भी ऐसा कुछ डायग्राम बना सकता है कि ये भी एक प्लेन है, एक लाइन नहीं है, ये भी एक प्लेन है, ये एक लाइन नहीं है, दिस इज अ प्लेन। ईपीएस ऑफ 0 वोल्ट, ये ईपीएस ऑफ 0 वोल्ट है, ये आया था कुछ ईपीएस ऑफ, ये आया था ईपीएस ऑफ, अगर एक वोल्ट में चार्ज है तो +20 वोल्ट, और अगर माइनस चार्ज है, इधर ये कुछ आया था ईपीएस ऑफ -20 वोल्ट, ऐसा कुछ आया था। इधर -20 से 0 बढ़ते हैं, -20 से 0, और इधर +20 से 0। बस आपको एग्जाम के हिसाब से ऐसा कुछ डायग्राम हद से हद बनाना, ये लाइन ना बना के प्लेन होता है, इस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है। फिर से लिख दीजिए एक लाइन, फाइनल लास्ट लाइन लिख दीजिए कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन अ प्लेन पासिंग थ्रू, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन अ प्लेन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन अ प्लेन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल, ऑफ अ डाइपोल इज 0। पूरे के पूरे प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।